नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जोहार और आपका स्वागत है जमशेदपुर मिरर की एक नया वीडियो पर। मेरे पीछे लीलिंग टावर ऑफ पीसा तो नहीं है, लेकिन हमारे जमशेदपुर के पार्टी के पास में एक बिल्डिंग है जो कि आपको झुकी हुई नजर आ रही होगी। और दुर्भाग्यवश ये इमारत जो है कुछ समय पहले तक, अगर आपको पता होगा तो ये खड़ी थी सीधी तरीके से, लेकिन जो हमारे इंजीनियर साहब है और बिल्डर है उनकी मेहरबानी के तरफ से ये अब एक लीलिंग टावर ऑफ पीसा के जैसा इंक्लाइन हो गया है और किसी भी वक्त यहाँ पर धराशायी हो सकता है। आपको बताते हुए चले कि इस जगह पर फिलहाल 144 धारा लगा हुआ है और साथ में जो पुलिस बल है उसको भी तैनात किया गया है। और आप अगर देखेंगे तो इस जगह को घेर दिया गया है सेफ्टी पर्पस के लिए। और बता दें कि दो दिन पहले शाम को यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बड़ी सी दरार आपको दिखेगी। ये चार तल्ला इमारत जो है इस पे दरार आ गया और दरार आने के बाद इस पे जो छात्र रहते थे और जितने भी काम चलते थे उनको रुकवा कर तुरंत इस यहाँ से इवैक्यूएट किया गया और इवैक्यूएट करके दूसरे जगह भेज दिया गया। लेकिन आप यहाँ पर दरार जो है उसको आप भली बात देख पा रहे होंगे और किस हद से ये झुकते जा रहा है इसको भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि पहले के वीडियो और अभी का वीडियो में आपको जो है बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा इसके झुकावट में। और आपको बता दे कि ये जो है एक उदाहरण है खराब बनावटी घोटाला और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका, क्योंकि अगर हर एक चाहे वो रास्ता हो इमारत हो, जो बिल्डर बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं जो इंजीनियर रहते हैं उनका अगर नाम और नंबर लिख दिया जाए तो शायद इस तरीके का जो उदाहरण है वो आने वाले समय पे लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि पैसा बचाने का चक्कर में और घटिया सामान यूज करते करते इस तरीके का आप देखेंगे तो हालत हो जाता है जिससे कई सारे लोगों का जान जो है वो जोखिम में आ जाता है। हालांकि समय रहते हुए सोचे कि यहाँ से लोगों को निकाल दिया गया, बच्चों को निकाल दिया गया, लेकिन मानिए अगर समय पे ना निकाला जा सकता या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता दुर्घटना और इतने सारे लोग जो यहाँ पर रहते थे, जो रेसिडेंट्स थे, जो यहाँ पर बच्चे आते थे सीखने के लिए, अगर उस समय पे ये धराशायी हो जाता था तो आप सोचिए जरा कि किस तरीके का हालत यहाँ पर होने वाला था, या फिर आप सोचिए कि किस तरीके का मंजर जो है वो जमशेदपुर वासियों को देखने को मिलता, कितना दर्दनाक और भयावह नज़ारा यहाँ पर आप लोगों के सामने होता। फिलहाल अभी भी आप लोगों को अगर बताए तो ये किसी भी वक्त में यहाँ पर गिर सकता है और गिर के धराशायी हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक्सटेंशन तार जो वायर है इलेक्ट्रिक का वो भी गया हुआ है जो कि इसके चपेट में आ सकता है अगर गिर जाए तो। हालांकि सावधानी ली जा रही है और देखने वाली बात रहेगी कि कब तक ये हमारे जमशेदपुर का लीलिंग टावर जो है इस तरीके से झुका हुआ रहता है और कब तक ये इसी तरीके से इन हवाओं का सामना कर पाता। तो फिलहाल यही सवाल के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आप सभी के साथ में। फिलहाल आप एक बार देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस तरीके का जो लापरवाही है बनावट में कंस्ट्रक्शन में जिसका लेके हर एक दिन चाहे रोड की मरम्मत हो या हर एक चीज़ हो जिसमें आपको खराबी दिखती है, इन सभी चीज़ों का लेके आवाज़ उठाइए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फिलहाल के लिए मैं विक्टर जमशेदपुर मिरर की ओर से विदा लूँगा, बने रहेगा ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और आप बताइए क्या सोचते हैं इस बिल्डिंग का लेके। जय हिंद जय भारत।